the subscribe button and press on the bell icon to watch my all new videos. आज हम बात करेंगे किसके बारे में, bypass factor के बारे में। तो basically bypass factor होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर एक लाइन में बोलूंगा bypass factor है क्या, तो मैं बोलूंगा ये क्या करता है कि represent करता है loss को। क्योंकि आप अगर इसके सिंपल जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, उसका क्या होता है, वन माइनस बाईपास फैक्टर बीपीएफ। एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%, वो किसी का होता नहीं है। तो माइनस बाईपास फैक्टर मतलब क्या, जो लॉस है, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, जिस एनर्जी को हम क्या कर बट एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो क्या हो रहा है, वो एनवायरमेंट में चला जा रहा है। जैसे मान लो क्या, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, अब उसका एफिशिएंसी मान लो निकाला मैंने 90%, 10% क्या है, लॉस है। वो कहाँ जा रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो क्या है वो, बाईपास फैक्टर उसको बोलेंगे एक तरह से। अब बाईपास फैक्टर दो तरह के कॉयल में हम निकालते हैं एक्चुअली इन जनरल, बट उससे भी ज्यादा हो, मतलब इससे भी अलग हो सकता है। अगर मान लो बाईपास फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि मोर देन 3-4 कॉयल्स एक साथ हमने लगा दिया तो क्या होगा, लेकिन अगर आप इन जनरल बात करोगे तो हमारे पास दो कॉयल हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके लिए हम बाईपास फैक्टर निकालते हैं। एक क्या है, हीटिंग कॉयल है, बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग कॉयल, और एक है क्या है, कूलिंग कॉयल है। दो कॉयल है, दो तरह के कॉयल के लिए हम क्या करते हैं, बाईपास फैक्टर को निकालते हैं। अब बात करेंगे हम कि बाईपास फैक्टर को दोनों तरह के कॉयल से निकाल कॉयल के लिए निकालते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे इस टॉट वर्ल्ड में। तो चले चलते हैं, मैं सिंपल एक तरीका बताऊंगा आपको उसको याद रखने के लिए। जैसे मान लो हीटिंग कॉयल है, ठीक है, अब एयर यहां से मान लो जा रहा है, ये T1 है, T2 है। हीटिंग कॉयल का क्या मकसद होगा कि जो एयर हम भेज रहे हैं, ये यहां पर एयर इनलेट है और यहां पर एयर आउटलेट या एग्जिट बोल सकते हो, एग्जिट कर रहा है, ये मान लो हमारा हीटिंग कॉयल है। इसमें अगर बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा मैं, अगर इस कॉयल के लिए बाईपास फैक्टर के फॉर्मूला की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, T3 - T2 / T3 - T1। क्योंकि जो T यहां पर कैसे है, ये T क्या है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या है, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। सबसे कम टेम्परेचर T1 है, सबसे ज्यादा क्या है, T3 है। अब T1 अगर T3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहां पर फ्लो होगा कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से होगा ये। अब तब क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो टेम्परेचर हमने एयर का डाला था उससे ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हीटिंग कॉयल। अगर मैं बात करूंगा कूलिंग कॉयल के बारे में, सेम डायग्राम बनाते हैं, सेम डायग्राम, T1 एयर इनलेट करवा देते हैं, यहां पर एयर आउटलेट करवा देते हैं, ये T2 आ गया और ये T3 आ गया। यहां पर क्या है, बेसिकली T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाईपास फैक्टर वो देखने वाला चीज है हमारे लिए, वो क्या हो जाएगा, T2 - T3 / T1 - T3, ये हमारे पास बाईपास फैक्टर हो जाएगा। अब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 - बाईपास फैक्टर। अगर मैं बात करूंगा कि भाई कॉयल जो हमने सिस्टम लगाया उसका एफिशिएंसी क्या होगा, बाईपास फैक्टर निकालो, 1 माइनस कर दो, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगा, अगर हीटिंग हो या फिर कूलिंग हो। और मजे की बात बताऊं आपको अभी, अगर मान लो हम दोनों चेंज नहीं करते तो क्या होगा, देखो अगर चेंज नहीं करते, मैं बोला कि सेम टू सेम लिख दो कूलिंग के लिए भी, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सपोज दैट, एग्जाम्पल समझाता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं बोलूंगा सेम टू सेम फॉर्मूला इसके लिए लिखो, तो क्या होगा, देखिए T1 = मान लो हमारे पास है 90°C, T2 हमारे पास आ रहा है 70°C और T3 हमारे पास है 50°C, ठीक है। हम करते हैं पहले इस फॉर्मूला से, तो T2 - T3, T2 कितना हमारे पास है 70 - 50, 90 - 50, T2 - T3, T1 - T2 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया और यहाँ पर 40 आ गया, यानी कि 0.5 आ गया अपने पास। अब बात करते हैं सेम टू इस फॉर्मूला में ही पुट कर दो इसको, तो T3 कितना है 50, T2 कितना है 70,
T3 कितना है 50, T1 कितना है 90, अब क्या हो जाएगा -20 -40 काट दो तो 0.5 भी आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है लिखने का ये बताया मैंने, अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो सेम आएंगे। और गेट में कौन सा आपको दिखाना है कैसे आपने सॉल्व करा, आपको तो बस आंसर सही मार्क करना है, वहां पर क्लिक करना है सही ऑप्शन के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, होप टू सी यू अगेन।